हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। आज हम बनाएंगे मसाला पास्ता, वो भी बिना पास्ता बॉईल किए। हम पास्ता बनाएंगे कुरकुरे के इस पैकेट के साथ। बहुत ही टेस्ट में बढ़िया लगता है, चटपटा लगता है, एक ट्राइड रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है बटर। बटर जैसे ही मेल्ट होगा इसमें जाएगा एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज एक आधे मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें जाएगी चॉप की हुई शिमला मिर्च, उसे भी थोड़ा सा हमें सौते करना है। उसके आधे मिनट बाद जाएंगे इसमें कॉर्न्स, आप आपकी पसंद की सब्जियां डाल सकते हो। इसे दो मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा पिज्जा पास्ता वाला सॉस एक चम्मच, एक चम्मच मेयोनीज। इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेयोनीज टोटली ऑप्शनल है, आप इसमें सिर्फ टोमेटो सॉस भी डाल सकते हो। आप जिस टाइप से पास्ता बनाते हो उसी तरीके से आप बना सकते हो। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी पिज्जा वाली सीजनिंग, अगर यह आपके पास नहीं है तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। थोड़ा सा नमक, नमक सिर्फ सब्जियों के लिए जाएगा, पास्ता का नमक हमें इसमें नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा डालना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने इसमें डाला है एक चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप को भी मिक्स करके ले लेंगे। अब हमारा ये पास्ता का सीजनिंग रेडी है। मैंने लिया है यहाँ पर 20 रुपए वाला कुरकुरे का पैकेट। इसे फोड़ कर इसमें जितने कुरकुरे आते हैं वो सारे इसमें डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स करके लेना है। एकदम बढ़िया सा ये पास्ता बनता है, टेस्टी, स्पाइसी और थोड़ा सा क्रंची, क्रिस्पी। अब इसमें जाएगा ऊपर से थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज। चीज ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालोगे तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। जैसे ही चीज मेल्ट होगा गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। जबरदस्त पास्ता हमारा रेडी है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। दो मिनट में पास्ता की रेसिपी रेडी होती है। गरम गरम इसे सर्व करना है। अगर आपको इसे ज़्यादा मॉइस्चर बनाना है तो दो मिनट और पकाएं। ये बढ़िया सी रेसिपी बन के रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।